आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। वॉक इन इंटरव्यू में भगदड़ जैसे हालात। एयर इंडिया में लोडर की नौकरी के लिए पहुंचे हजारों बेरोजगार। नौकरी पाने के लिए मारामारी का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार ये भगदड़ जैसी हालत मुंबई के कलिना में एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर देखने को मिल रही है। इससे पहले एक ऐसा ही वीडियो गुजरात से भी वायरल हुआ था। मिली जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने यूटिलिटी एजेंट के 1802 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया था, जिसमें हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स नौकरी पाने के लिए पहुंच गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए आवेदक एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा और उनमें से कई की तबीयत खराब होने लगी। एयरपोर्ट लोडर का क्या होता है काम? हवाई अड्डे के लोडरों को विमान पर सामान चढ़ाने और उतारने तथा बैगेज बेल्ट और रैंप ट्रैक्टर चलाने का काम सौंपा जाता है। प्रत्येक विमान को सामान, कार्गो और खाद्य आपूर्ति को संभालने के लिए कम से कम 5 लोडरों की आवश्यकता होती है। एयरपोर्ट लोडर को कितनी मिलती है सैलरी? एयरपोर्ट लोडर का वेतन 20,000 से 25,000 प्रति महीने के बीच होता है, लेकिन ज़्यादातर ओवरटाइम भत्ते के बाद 30,000 से ज़्यादा कमा लेते हैं। नौकरी के लिए शैक्षिक मानदंड बुनियादी है, लेकिन उम्मीदवार को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कंपनी ने बताया कि करीब 15,000 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। वहीं एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज गिल्ड ने इनकी संख्या करीब 50,000 बताई है। नौकरी पाने के लिए भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। इसके बाद कंपनी ने लोगों को अपना CV जमा करके वहाँ से चले जाने को कहा। मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आवेदनकर्ता। उम्मीदवारों में बुलढाणा जिले के प्रथमेश्वर भी शामिल हैं, जो साक्षात्कार के लिए 400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके आए हैं। उन्होंने कहा, मैं अप्रेंटिस के पद के लिए आवेदन करने आया हूं। वे 22,500 रुपये का वेतन दे रहे हैं। प्रथमेश्वर BBA के दूसरे वर्ष के छात्र हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें नौकरी मिल गई तो क्या वे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, हम क्या करें, इतनी बेरोजगारी है। मैं सरकार से और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का आग्रह करता हूँ। BA की डिग्री रखने वाले एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि वो एक सहायक के काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज़ और आपको रखे सबसे आगे।